गाइस लेट्स स्टार्ट इंडी है हम इंडी है हम सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पर मैं दर्शन रावल पहली बार एक ऐसा शो लेकर आया हूं जिसका नाम है इंडी है हम, जहां पर हम सेलिब्रेट करेंगे इंडिपेंडेंट म्यूजिक और इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट को। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं खुद एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हूँ और मैं चाहता हूँ कि बहुत सारे इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट इस शो में आए और मैं आप लोगों को उनसे मिलवाऊँ और बहुत ही अमेजिंग म्यूज़िक आपको सुनाऊँ। तो आज जिस इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट से मैं आपको मिलवाने वाला हूँ वो इंटरनेशनली एक्लेम्ड है और इंडिया के सबसे बड़े इंडिपेंडेंट स्टार हैं। वो जिस गाने को छूते हैं वो गाना सोना बन जाता है, सुपर हिट बन जाता है एंड ही इज द बिगेस्ट ब्रांड ऑफ इंडिपेंडेंट म्यूजिक इन इंडिया। लेट्स वेलकम द बाजरा ऑफ रैप। इट्स सो गुड टू हैव यू। थैंक यू। मेरे दिमाग में ये मुझे पूछना था। आई वांटेड रियली वांटेड टू आस्क यू, यू हैव बीन डूइंग सो मच म्यूजिक, इतना सारा यू हैव बीन डूइंग म्यूजिक फॉर फिल्म्स, यू हैव बीन डूइंग इंडिपेंडेंट ट्रैक्स। हाउ डू यू जज कि यार दिस सॉन्ग इज गोइंग टू वर्क, या वो फील कैसे आती है? बहुत टफ होता है दर्शन, लाइक यू नो यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपना पर्सपेक्टिव ना लूज करें एंड देन मेरा लेबल है ऑफकोर्स, सो फीडबैक मिल ही जाता है और एक ना एक स्टूडियो में ही आइडिया हो जाता है कि यार ये चीज़ नहीं अच्छी या इस चीज़ पर मज़ा आ रहा है, क्योंकि आप जो यू नो इट हेल्प्स कि आप इतना सारा म्यूजिक सुन के बड़े हुए हो तो आपके एक आइडिया हो जाता है कि यू नो इसका इफेक्ट क्या होगा, ये कैसा क्या होगा। हाँ होने वाला। आई फॉलो यू ऑन इंस्टाग्राम और मैं देखता रहता हूँ दैट यू हैव बीन रियली वर्किंग आउट और काफ़ी आप जिम जाते हो, जिम से सेल्फीज आती है। आई वॉन्टेड टू नो ऐसी कोई एक्सरसाइज है जो मतलब उसका मशीन देख के आपको यार ये वाला मुझे नहीं करना? मुझे जिम देख के ही हो जाता है कि ये नहीं करना। But you're going regular. I've been seeing you posting. I mean, you're also a performer. आपको पता है कि स्टेज पे स्टैमिना, स्ट्रेंथ होनी, फिटनेस होनी कितनी जरूरी है, बिकॉज इट्स नॉट ईजी टू यू नो कंटिन्यूसली सिंग एंड परफॉर्म फॉर लाइक 90 मिनट्स और 120 मिनट्स। इट्स डिफिकल्ट, मतलब लोगों को नहीं पता चलता। तो जब मुझे लगा कि यार अब उसमें प्रॉब्लम हो रही है तब मैंने जिम जाना शुरू किया। मतलब मेरे को कोई बॉडी वॉडी का शौक नहीं था। आई थिंक आई स्टार्टेड गोइंग टू द जिम just because I want to stay fit और अपना stamina and perform better. Yeah, yeah. But ऐसी कौन सी exercise, किस body part की exercise ऐसे होती है कि यार arms, क्योंकि फिर अगले दिन कुछ नहीं होता ना, मतलब छुटता ही नहीं, खाना नहीं खाया जाता, पियानो अजीब से हो जाता है, नहीं हो पाएगा, अपने आप हाथ ऊपर उठने लग जाते हैं, अजीब सा हो जाता है। तो arms करने मेरे को थोड़ा से। Also, I wanted to know कि अभी what do you think, like you have been there in the industry इतने time से, what do you think, where is the independent scene or what's happening in the scene, or क्या हो रहा है? मुझे ऐसा लगता है कि and I think you'll agree to this, I think it's a beautiful scene right now. Yeah. No disrespect to Bollywood music of course, but जो independent music scene है बहुत खतरनाक है। You come from Gujarat and वहाँ का like वहाँ का folk music इतना सही है and you're doing some amazing job. जो आई थिंक अब से थोड़े टाइम पहले तक बहुत मुश्किल था। ऑफकोर्स 90s में वी हैड अ ग्लोरियस इंडिपेंडेंस सीन एंड देन फिर वो कहीं खो गया। बट आई थिंक यू नो अब सारी जगह फैल रहा है ये चीज़। लैम्बोर्गिनी गाना आया था, दूरबीन बैंड एक उन्होंने गाया था जो बहुत हिट हुआ। तो अभी उनके गाने में आलिया ने फीचर किया नए गाने में। अच्छा, तो इतना स्ट्रॉन्ग है इंडिपेंडेंस सीन। आई मीन डेफिनेटली यू नो इट्स अ ब्यूटीफुल सीन राइट नाउ। सो एनी सॉन्ग भाई, इफ यू वांट एनी सॉन्ग दैट यू रियली व्हिच इज क्लोज टू हार्ट, इफ यू वांट जस्ट इफ यू कैन हम कुछ थोड़ा सा। कानों में एक दिल की बात सुना वाणी, तैनू हसदा वेख के जगनू मैं भूल जावानी, दस दे कितना गल तैनू समझावानी, अब तू छड़ दे ओनू जो है तेरे नाल, नखरे क्यों कर दिए मैनू जचदा नहीं, किन्ना सवाल कर दिए ना मैं सुनता नहीं, होर दस किन्नी तारीफ चाहिए तेनू, होर दस किन्नी तारीफ चाहिए करे शाइन तो करे ग्लो, जीन से डाली डाली तूने जो वो तेरी बूटी पे टाइट बेबी जैसे मेरा फ्लो, बेबी गॉड डैम तू है 100 बाकी एवरेज, तू है सैवेज बेबी तू है रॉ, मुझे तेरी बारी के हर वो चीज लगे सेक्सी जो बाकियों को लगती है फ्लो, बेबी लेट्स गो,
right now. देखो मुझे फेट ना इतनी तेरा लक तेरा ली न बात तेरी मी न डाइट पे है तो क्यों खाती भाव होर दस कितनी तारीफ चाहिए तेनू 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 Amazing. Mind blowing. भाई इतने सारे गाने आप बनाते हैं तो कोई ऐसा कोई गाने के पीछे कोई amazing funny story है that you would like to share? हाँ मतलब जैसे डीजे वाले बाबू था तो ये लाइन ही मेरी नहीं है लाइन एक मैं एक शादी में था ऐसे गांव में शादी थी अच्छा तो वहाँ मैं बैठा था और वहाँ पे वो डीजे चलाई जा रहा था टिक-टिक-टिक-टिक जो भी ब्राजील बड़ा चलता है ऐसे एरियाज में ना ब्राजील अब वो आंटी बैठी बेचारी परेशान रखी चल क्या रहा है तो वो आंटी उठी गई डीजे के पास अरे डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दे तो मेरे को बड़ा ही सही लगा मैं कहा ये मैं देखा ना आंटी उठी क्यों है वो लाइन मैंने सुनी तो फिर वहाँ से मैं निकला और मैंने गाना बनाया मेरे बहुत ही सही लाइन है और इतना बड़ा गाना बना All thanks to that auntie. All thanks to your auntie. तो कभी ऐसा कोई ग्रुप है फैमिली ग्रुप या कोई व्हाट्सएप ग्रुप है या कोई ऐसे कजिन्स हैं या कोई है जो कॉल करते हैं और बात किया दोस्त है जो कॉल करवा के बात करवाते हैं कि भाई तो अभी कजिन्स जाते हैं जैसे किसी क्लब में एंट्री करवा दे तेरा तो नाम चलता है उसी चक्कर में क्लब ही खोलना पड़ गया एक बॉम्बे में और दिल्ली में दो क्लब्स हैं वो हैं बट सी आई लव योर ड्रेसिंग स्टाइल व्हाटएवर यू वेयर लेट मी टेल यू आज मैंने जो जूते पहने उन्होंने मुझे एक साइट बताई थी वहाँ से मैंने ये जूते मंगवाए बट हाउ डज योर फैमिली रिएक्ट टू ऑल दिस क्रेजी शूज एंड क्लोथ्स यू वेयर शुरू में मैं जैसे जैकेट्स वगैरह लेता था तो पापा कहते थे क्या जल्लो जैसे कपड़े पहनता है फिर वो उन्होंने शोज वोज देखे जहाँ लोग मुझसे मेरे कपड़ों के बारे में पूछ रहे अरे आपके कपड़े इतने अच्छे हैं फिर तो फिर कहते यार वो तेरी जैकेट अगर तू नहीं पहनता तो मैं पहन लेता हूँ अच्छी है जैकेट क्यूट है यार मम्मी पापा क्यूट ही होते हैं आपके पास कितने जूते हैं जूते बहुत है बहुत ज़्यादा जूते हैं तो एक पूरा अलग से कमरा बनाया होगा ना यार मैं ना बचपन से कोई ये नहीं बचपन से मुझे जूतों का बहुत शौक था मतलब जूते डिज़ाइन करने का बहुत शौक था मुझे मतलब मैं हर कॉपी के पीछे शूज़ डिज़ाइन किया करता था मेरे पास ऑलमोस्ट सारे जितने भी जूते मैंने आज तक लिए हैं आज तक स्टार्टिंग फ्रॉम स्कूल ऑफकोर्स स्कूल के जूते नहीं वो छोड़ के जितने भी जूते पापा ने दिलवाए हैं वो हैं मेरे पास वो सारे हैं हाँ शुरुआत हुई थी 6 नंबर से 7, 8, 9, 10 पे रुक गया मैं भाई तो नाउ आई वुड वांट भाई कि आप एक गाना परफॉर्म कर दो कर देते हैं यार कौन सा आई थिंक मेरा जो नया गाना आया आई थिंक लेट्स डू दिस तेरी मम्मी की जय क्या चीज बनाई दूध पे जैसे आई हो मलाई छोटी छोटी बैंग बैंग चिटी कलाई तेरी आग लगा दे जैसे दिया सलाई मैं इंटरनेशनल पर गाने मेरे लोकल तू है सेक्सी बाकी है सोसो मैं तेरा काका तू मेरी कोको गर्मी कितनी तुझ में रोटी खाती तू किस आटे की हाथ लगाओ देखे ऐसे जैसे काटेगी ये लड़की पागल है पागल है पागल है पागल है ये लड़की पागल है पागल है पागल है पागल है ये लड़की पागल है पागल है पागल है पागल है ये लड़की पागल है पागल है पागल है पागल है तुझको आए पसीना शक्ल है इंडियन बॉडी लटीना चिकनी चमेली कट कट रीना सच बोला था शाहरुख इश्क कमीना तूने यूथ किया बर्बाद तू एक नंबर बाकी तेरे बाद है टीचर के लेक्चर याद हो ना हो तुझे बादशाह के गाने सारे याद है रहने दे बेटे रहने दे तेरे हाथ न आने वाली है गाल गुलाबी नैन शराबी मुंह पे गाली है ये लड़की पागल है पागल है पागल है पागल है ये लड़की पागल है पागल है पागल है पागल है एकदम ये लड़की पागल है पागल है पागल है पागल है ये लड़की पागल है पागल है पागल है पागल है लड़की सिंगल
she want a boyfriend. She's a bad girl, she got bad friends. She got one life, she's living it up. She don't give a fuck. Like a single, she want a boyfriend. She's a bad girl, she got bad friends. She got one life, she's living it up. She don't give a fuck. लड़की तो पागल है ही और आप लोग भी पागल हो जाओ। पहला एपिसोड इतना सारा धमाका, इंडी है हम पर जहां पर हम लोग सेलिब्रेट करते हैं इंडिपेंडेंट म्यूजिक और इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट को। सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पर बजाते रहो। तो इंडी है हम पर एक स्पेशल सेगमेंट सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए डिजाइन किया है। यहां पर आपका काम ज्यादा रहेगा, मेरा कम रहेगा। आप लोगों को पूछने हैं मुझे बहुत सारे सवाल जो आप लोग मुझे पूछते हो वैसे भी, और कुछ कुछ लोगों को मैं रिप्लाई कर पाता हूँ, बहुत ज्यादा लोगों को नहीं कर पाता हूँ। तो अब इसका सॉल्यूशन ये है कि आप लोगों को सोशल मीडिया पर मुझे क्वेश्चन पूछने हैं जो आप पूछते हो, बट पूछने के बाद लास्ट में #questiondarshan ये यूज करना। अगर आपने यूज कर लिया तो आपके सवालों के जवाब मैं दे दूंगा। So, आज के हमारे कुछ जो सवाल आए हैं उनके मैं जवाब देने वाला हूं। तो लेट्स डू द क्वेश्चंस। पहला वाला है, देखते हैं। सो द फर्स्ट वन इज बाय साक्षी, शी इज फ्रॉम जोधपुर, और उन्होंने पूछा है मुझे, इज देयर एनी इंसिडेंट दैट यू हैव स्टार्टेड सेइंग स्प्रेड लव। तो साक्षी, मुझे लगता है कि बचपन से ही मैंने बहुत सारी चीज़ें मेरे आसपास, आई हैव सीन लॉट ऑफ नेगेटिविटी, बहुत बहुत हेट्रेड लोगों को झगड़ते हुए देखा है, बेमतलब झगड़ते हुए देखा है। इवन इफ इन आवर कंट्री आप देखो, जिस मुद्दे के लिए हमें सीरियस होना चाहिए वो हम सीरियस नहीं है, छोटी छोटी चीज़ों के लिए वी कीप फाइटिंग। सो आई थिंक अगर हर बंदा इंडिविजुअली इफ ही स्टार्ट स्प्रेडिंग लव, प्यार करना शुरू करे, अच्छे से सबको ट्रीट करे, तो दैट इज़ गोइंग टू बी अ ब्यूटिफुल थिंग। और मुझे बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, तो आई थिंक इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रीच और से राइट थिंग्स, सो आई ऑलवेज यूज स्प्रेड लव। तो अब देखते हैं दूसरा सवाल। एनी एम्बेरेस्ड मोमेंट्स इन कॉन्सर्ट, ये पूछा है अनिशा फ्रॉम कोलकाता। तो एक है जो मुझे बहुत पहले का है, बट आई रिमेम्बर क्या हुआ। तो जब हम कॉन्सर्ट के लिए जाते हैं तो आपने वो बेल्ट लगाई होती है, उसके ऊपर होता है एक इन ईयर आपके म्यूज़िक को सुनने के लिए स्टेज पर, क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर होता है तो अलग से आपको इन ईयर दिया जाता है, तो वो लगाया होता है। सो काफ़ी सारी चीज़ें होती है। सो आई वॉज परफॉर्मिंग और उस दिन मुझे लगा पैंट ठीक ठाक फिट है, तो मैंने बेल्ट नहीं लगाया था और इन ईयर था, और पता नहीं क्या हुआ, परफॉर्म करते करते धीरे धीरे मुझे लगा कि मेरा पैंट लूज़ हो रहा है, और मैंने ऐसे उल्टा होकर चेक किया तो जो पैंट का बटन होता था वो टूट गया था और मेरी जिप रह नहीं रही थी, और फिर धीरे 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 इतना अनकंफर्टेबल हो गया, बट आई हैड टू डू शोज़। मैं बार बार ऊपर करके, यहाँ वहाँ हिल के, वापस उल्टा होकर जिप चढ़ा के, कुछ भी करके मैंने परफॉर्मेंस ख़त्म कर दिया। बट दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट, ऐसे मुझे लगता है मैं जब इस बारे में सोचता हूँ तो मुझे बहुत ऐसा होता है कि क्या हो गया होता उस दिन, जिंदगी खराब हुई होती मेरी, बहुत सारी चीज़ें। चलो ठीक है, तो ऐसे ही अगर आप सबको मुझे सवाल पूछने हैं तो प्लीज़ सवाल पूछने के बाद #questiondarshan पूछो और मैं आपके सारे सवालों का जवाब दे दूँ। तो मैंने पहले सबको मना किया था कि गाना नहीं आ रहा, इस बार बारिश का गाना नहीं आ रहा, और गाना देन आई रिलीज एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि इस गाने को आपने बहुत 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 बड़ा सक्सेसफुल गाना बना दिया। सो थैंक यू फॉर ऑल द लव एंड लेट मी सिंग दिस फॉर यू। मैं जमीन तो आसमान में दाग हूँ, तो चांद सा तो बारिश है मेरे, तू हूँ मैं धुन कोई तो राग सा। मैं जमीन तो आसमान में दाग हूँ, तो चांद सा तो बारिश है मेरे, तू हूँ मैं धुन कोई तो राग। मैनू अपना बना ले मेरी रिए,
बना ले मेरी मैं रहना है तेरा बनके बूहे बारियां है बूहे बारियां बूहे बारियां है बूहे बारियां बूहे बारियां ते नाले कंधा टपके तू आ जावी हवा बन के बूहे बारियां है बूहे बारियां बूहे बारियां है बूहे बारियां थैंक यू आज मैं आपको एक ऐसे बैंड से मिलवाने वाला हूँ जो पिछले 6 साल से साथ में है वो लोग लाइव म्यूजिक प्ले करते हैं परफॉर्म करते हैं उनका जॉनर सूफी रॉक है तो बहुत बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आइए सुनते हैं वलय को और ये शो का मकसद बस यही है कि ऐसे इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट को हम सेलिब्रेट करें और उनके म्यूजिक को हम सेलिब्रेट करें और आपके सामने लेकर आए दुख में सुमिरन सब करे सुख में करे जो सुख में सुमिरन करे दुख का है को माला फेरत जुग भया मन का कदर तेरी राह का कुछ हो गई है निगाहें सुनी सुनी हैरा हैरा है अधूरी सी बातें किस कदर तेरी राह का कुछ हो गई है निगाहें बरसों की ये रातें मेरी सदियों की ये बातें तेरी पल दो पल की कहानी अपनी सुन ले जरा कैसे मनाऊं कैसे बताऊं ये जिंदगी तेरे बिना कैसे काहे मनावे दुख तू संसार ये मोह माया का भेरा जा जा रे जा मनवा जा जा रे जा मनवा जा जा रे जा सनी धनी दादा मगा मगा मेरे संस सनी धनी दादा मगा मगा Sani dani dada maga maga gamare sa sani dani dada maga baba sani dani saga mare sani sani dani saga re 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 sa sani ni dada maga ma dani sa sani dani dada maga ma baba gamare sani sa sani dani saga ma baba baga ma ni da sani re sa kakkare sani re re sani sani dani dada maga ma dani sa sani re sani sani dani dada maga ma dani sa 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 sa
dani dani da da maga ma baga mare da da dani dani da da maga ma ba da ga ma ba 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 Bagamanida, the Manida, the Magamaba. Sunny than it, the Magamaba, Sagamaba, Bagamanida, the Zani, it is the Gagan, it is the Gagan, it is the Gagan, it is the Magamada, it is the Sani, the Magamadan is the Magamadan is the Beautiful, mind blowing, mind blowing, mind blowing. Kya coordination aap logo ka? अगर आपको भी लगता है कि आप इंडी सेंसेशन बन सकते हैं या इंडी स्टार हैं तो आपके जो वीडियोस हैं वो प्लीज़ अपलोड करिए और अपलोड करने के बाद रेड एफएम इंडिया को टैग कीजिए एंड यू कैन बी हियर ऑन इंडी जैम और हम लोग आपका म्यूज़िक भी सुनेंगे. सो दिस इज मी दर्शन रावल ऑन इंडी है हम, जहाँ पर हम सेलिब्रेट करते हैं इंडिपेंडेंट म्यूज़िक और इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट. इंडी है.